अनिल भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं और इसमें दिखाते हैं कि अलॉय के साथ क्या क्या निकलता है। अनिल भाई फ्रंट एंड बैक का अलॉय निकालिए, इस तरीके से जावा का ओरिजिनल अलॉय भी लाते हैं और ये जो ब्रैकेट देख रहे हो इसमें ना स्टिकर लगते हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये है फ्रंट का, अब बैक का दिखाइए। काफ़ी हैवी क्वालिटी के अंदर आते हैं, पाउडर कोटेड, और ये सारे अलॉय व्हील अलूमिनियम के ही होते हैं। आप क्वालिटी देख सकते हैं ओरिजिनल की। ब्रैकेट के अंदर स्टिकर निकलते हैं चार, जिस पे लिखा होता है जावा ओरिजिनल, अंदर आप देख सकते हो इस तरीके से। आप इस बाइक में करेंगे हम इंस्टॉल अलॉय व्हील, आप देख सकते हो रिम लगे हैं, आप लगेंगे इसके अंदर अलॉय व्हील। बाइक की लुक आप देख ही रहे हो। फाइनली पीछे का जो है रिम और टायर के साथ रिमूव हो चुका है इस तरीके से बाहर। अब इसको भेजेंगे टायर वाले पे, इसमें होगी अलॉय फिट, फिर इंस्टॉल होते हुए आपको दिखाते हैं। फाइनली ये ट्यूबलेस होके आ चुके हैं, क्योंकि आपके जो टायर्स होते हैं वो होते हैं ट्यूबलेस, बट ट्यूब के साथ डले होते हैं रिम के अंदर, तो ये फाइनली अब इसके अंदर हम डाल देते हैं बेयरिंग। इस तरीके से ठोक के बेयरिंग, पहले पीछे का पहिया फिट करेंगे, फिर आगे का खुल के जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें डालेंगे भोगली, भोगली के बाद बेयरिंग जाएगा, सेंटर में लाके बिल्कुल स्ट्रेट। वेयरिंग फिट हो चुके हैं, वेयरिंग के बाद ना ये वेयरिंग सील भी आती है, इसको इस तरीके से फिट करते हैं, इसे कहते हैं वेयरिंग लॉक। आगे वाला भी खुल रहा है, अब इसमें लॉक लग चुका है, अब लगाएंगे सील। सील लग चुकी है, अब लगेगी डिस्क प्लेट एंड एबीएस प्लेट। अब इसके नट लगाएंगे हम, पांच नट है। अब इसे अलंकी से टाइट करेंगे इस तरीके से, सारे टाइट हो चुके हैं आप देख लो। अब इसमें लग रही है कपलिंग रबड़ इस तरीके से, चार होते हैं कपलिंग रबड़, प्रॉपर फिट हो चुकी है। अब इसका लगाएंगे क्या कहते हैं इसे, चेन हब, चेन इस पॉकेट हब लगेगा इस तरीके से, आप देख सकते हो जावा का ओरिजिनल। वापसी लगाइए इसे, भोगली प्रॉपर आप सेट करोगे इस तरीके से, और अब इसको इंस्टॉल करें। कपरिंग रबड़ के बाद ये स्पॉकेट फिट हो चुका है प्रॉपर ही, कपरिंग रबड़ के बाद इसको स्पॉकेट को डाल देते हैं और ये डायरेक्टली फिट इस तरीके से हो जाता है। आप क्या करेंगे अनिल भाई, अब इसको सीधा डायरेक्ट अपनी बाइक पे लगाएंगे। अनिल भाई पीछे का पहिया फिट कर रहे हैं इस तरीके से, इसको सेट करेंगे फिर इसको प्रॉपरली फिट करेंगे। पीछे का अलॉय व्हील फिट हो चुका है आपका जावा का 42 ओवर में, अब आगे का ओपन होने जा रहा है, इसको डाउन करने के इस तरीके से अभी आ रहा है बाहर, ये हो गया रिमूव। अब इसके नट बोल्ट ओपन करने के बाद, इसके नट बोल्ट ओपन करने के बाद इसे भेजेंगे टायर छेड़ने के लिए। तो स्टार भाई इसमें कर रहे हैं आगे वाला अलॉय, फाइनली रिम हट के रिमूव होके अलॉय भी लग के आ चुके हैं, इसमें बेयरिंग ठुक चुके हैं। अब क्या कर रहे हो स्टार भाई, डिस्क प्लेट एबीएस सिस्टम सेट होगी। अच्छा पूरा सिस्टम सेट करेंगे स्टार भाई, कुछ कुछ इस तरीके से आप, ये स्टार भाई का स्टाइल है, फटाफट आप फिट करेंगे इसको। अब आगे वाला इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से हमारे स्टार भाई, एक्सल लग चुका है, अब इसके एक्सल के नट लगा रहे हैं। घर बैठे ही ऑल ओवर इंडिया आप मंगा सकते हो, घर पे भी सीओडी ऑप्शन भी हमारे पास मिल जाएगी, और साथ के साथ इसमें अब लगाएंगे जावा के ओरिजिनल लोगो जो इसके अलॉय पे लगेंगे। कुछ कुछ इस तरीके से आता है जावा का ओरिजिनल लोगो, अब इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे स्टार वाइज के अंदर। 3M की टेप आएगी पीछे और इस तरीके से रिमूव करने के बाद ये लोगो लगेगा कुछ कुछ इस तरीके से। अब ये फाइनली लग चुका है और बाइक आप देख सकते हो अलॉय की लुक, और ये जावा का ओरिजिनल अलॉय के साथ ही साथ इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकती है, जैसे कि आप इसमें बैक सीट क्लीन हैवी क्वालिटी के साथ 120 kg वेट आराम से इस पर लोड रख सकते हो, और साथ ही साथ बैकरेस्ट आप कलर ऑप्शन देख रहे हो काफ़ी अच्छी, डिटो सेम कलर में आता है, बैकरेस्ट लगा हुआ है साथ के साथ, इसका बैक गद्दी भी लगी हुई है और इसमें लगे हुए सैडल स्टे इस तरीके से, और अभी इसमें लगेगा ऑयल कैप और उसमें लगेगा फोन होल्डर। और फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आप इसमें देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर लैग गार्ड लगा है, फोक लाइट लगी है 80 वोल्ट की विद हार्नेस वायरिंग एंड
सिक्स मंथ वारंटी के साथ। लेग गार्ड स्क्वायर टाइप में लगा है और ये आगे आगे का फ्रंट का लोहे है और ये वाइजर भी लगा है साथ के साथ इसके अंदर इस तरीके से, और हेडलाइट ग्रिल भी है और ये ऑयल कैप भी है। ये देखिए पूरी बाइक की लुक एक नंबर आ रही है इस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ भी आपको चीज़ें बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसकी जो बैक सीट है इसका स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, स्टॉक आप देख सकते हो ये बस कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाता है हमारे पास। काफ़ी अच्छी डिमांड है क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है बैक सीट बॉवर की 42 की एंड प्राग की सारी चीज़ों की, और इस तरीके से हमारे ऑर्डर जाते हैं जिसमें हमारा स्कैन कोड बार कोड लगा रहता है। ऑल ओवर इंडिया आप COD ऑप्शन पे ले सकते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे ले सकते हो, घर बैठे ही आप ऑर्डर कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर